हेलो फ्रेंड्स वेरी वॉम वेलकम टू एल के अकेडमी आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम एंड मीन वाइल यू आर स्टडिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन सो इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स लेक्चर नंबर थर्टी सिक्स स्टार्ट करेंगे और एज पर आ ट्रेडिशन विल स्टार्ट आर लेक्चर बाई अ कोर्ट सो जो आपको इमेज दिख रहा है आपके स्क्रीन पे दोज थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू गेट सक्सेस इन एनी फील्ड इन एनी एग्जामिनेशन इन वॉट एवर इज योर गोल इन वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव अगर पढ़ाई को लेकर बात करें या किसी सब्जेक्ट को लेकर बात करें आपको अगर उसमें सक्सीड होना है इफ यू वॉन्ट टू बी इन अ मेरिट लिस्ट आपके कॉन्सेप्ट छोटे से छोटे टॉपिक के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए डोंट मग अप थिंग्स। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लीजिए बाकी सारी चीज़ आपको कहानी की तरह खुद ब खुद याद रह जाएगी देन यू हैव अ यू शुड हैव अ स्ट्रेटेजी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो आपके लिए बेस्ट हो अलग अलग दस दिन के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी ट्राई कीजिए लिख कर याद रखिए बोल कर याद रखिए जल्दी उठ कर याद रखिए रात को देर तक जग कर याद रखिए एंड आफ्टर दिस मैनी ईयर्स ऑफ एकेडमिक्स आपको ये चीज़ पता होगी ही कि कब आपको बेस्ट कब आपका दिमाग बेस्ट काम करता है तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए स्किल्स होती किसी के पास नहीं है यू हैव टू डेवलप इट राइट एवरी वन हैज द सेम स्किल उसको डेवलप कीजिए हार्ड वर्क तो ज़रूरी है ही इनोवेट कीजिए अपनी पढ़ाई के तरीकों को और टीम वर्क अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही है डोंट हेजिटेट टू आस्क डू नॉट हेजिटेट टू रिजोल्व योर डाउट जब तक पूछोगे नहीं तब तक कोई बताएगा नहीं सो दीज आर दॉइंट्स टू गेट अ डिजायर्ड सक्सेस चलिए इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे और पहला जो लेक्चर है दैट इज दी जॉइंट एक्सरसाइज और जॉइंट पेट्रोलिंग बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया और जिसको नाम दिया गया है इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे कॉर्पेट बोलेंगे इंड इंडो कॉर्पेट सो so, रिसेंटली दर्टी फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जिसको कहते हैं इंडिया इंड कॉर्पेट बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द इंडोनेशियन नेवी हैज़ बीन कंडक्टेड राइट और यहाँ पर आपको इंडोनेशिया का मैप दिया गया है समवेयर हियर अगर मैप में आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको इंडिया मिलेगा सो रिसेंटली थर्टी फिफ्थ एडिशन ऑफ द इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द इंडोनेशियन नेवी हैज बीन कंडक्टेड क्या है यह क्यों ज़रूरी है क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशन के ऊपर इससे क्या असर पड़ेगा वो सारी चीज़ें देखेंगे सो टू रेनफोर्स मेरी टाइम लिंक्स दू हैव बिन कैरिंग आउट कारपोरेट अलॉन्ग दर इंटरनेशनल मेरी टाइम बाउंड्री लाइन सिंस टू थाउजेंड एंड टू तो ये कोई आजकल से एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुई है दो तो हज़ार दो ऑलमोस्ट अठारह सालों से ये एक्सरसाइज चल रही है क्यों ताकि जो मेरी टाइम लिंक्स है दोनों कंट्रीज़ के बीच इंडिया और इंडोनेशिया के बीच उसको बेहतर बनाया जा सके एम क्या है इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन दी रीजियन तो हमें पता है कि देर आर मैनी ट्रेटर्स इन ओशन जहाजों को अगवा कर लिया जाता है लूट लिया जाता है राइड रॉबर्स उनको लूट लेते हैं जो लोग उन पर सवार है जहाज पे अगर वो दुश्मन देश के नाविक है उस पर तो उनको किडनेप करके मार लिया जाता है तो ये सारी चीजें ना हो और एक सेफ्टी ट्रेड पैसेज बना रहे इसके लिए ये एक्सरसाइज की जाती है कॉरपेट्स बिल्डअप अंडरस्टैंडिंग एंड इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन नेवीज एंड फेसिलिटेट इंस्टीट्यूशन ऑफ मेजर्स टू प्रिवेंट एंड सप्रेस इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेग्युलेटेड फिशिंग ड्रग ट्राफिकिंग मेरी टाइम टेररिज्म आर्म्ड रॉबरी एंड पायरेसी तो इन सारी चीज़ों पर अंकुश लगाने के लिए इन सारी चीज़ों को कंट्रोल में लाने के लिए कोई भी कंट्री अलग अलग देशों के साथ कॉरपेट करेगा राइट right? साथ में मिलकर पेट्रोलिंग की जाएगी जैसे आपको अगर आपको पता हो तो रात को नौ बजे के बाद दस बजे के बाद पुलिस की एक गाड़ी घूम अलग अलग एरियाज में पेट्रोलिंग करती है उसका क्या मतलब है कि पुलिस की गाड़ी जब घूमेगी तो वहाँ पे जो नॉन सोशल एलिमेंट जो है वो डरे रहेंगे और क्राइम रेट जो है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो यही सेम चीज़ इंडियन ओशन के रीजन में की जाती है पार्टिसिपेंट्स इन दी थर्टी फिफ्थ एडिशन तो कौन कौन था इंडिया की तरफ से किसने पार्ट लिया था इंडियन नेवी के कौन से जहाज ने इसमें पार्ट लिया था वो देखेंगे सो इंडियन नेवल शिप आई एन एस कुलिश एंड इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट एंड पी एट आई मेरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट अंडर टू कोआर्डिनेटेड पेट्रोल अलोंग विथ इंडोनेशियन शिप्स तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपको पूछा जाए कि इंड इंडो कॉर्पेट में किसने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से तो इंडियन नेवल शिप दैट इज नोन एज आईएनएस पुलिस और पी एट आई मेरी पेट्रोल एयरक्राफ्ट ये दोनों जहाज़ों ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था सिग्निफिकेंस क्या है ऑलरेडी मैं आपको सिग्निफिकेंस बता चुका हूँ दर्टी फिफ्थ इंड इंडो कॉर्पेट इंड इंड विल कॉन्ट्रीब्यूट टवर्ड्स तो तो द इंडियन इंड नेवीज एफर्ट्स to consolidate interoperability and forge strong bonds of friendship across the Indo-Pacific. तो हमने पास्ट में भी हमने देखा है सागर को लॉन्च किस कंट्री ने किया है सागर किसका आइडिया है इंडिया का आइडिया है तो जब एशिया पैसिफिक की बात करें तो इंडिया इज द बिगेस्ट इकोनॉमी इंडिया इज द बिगेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है राइट और इसीलिए एशिया पैसिफिक में और एटलीस्ट इन साउथ एशिया वाला जो रीजन है वहाँ पे इंडिया का जो स्टेटस है इंडिया का जो दबदबा है इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा है अब तक हम उस चीज़ को नहीं समझ पाए थे बट पिछले कुछ सालों से हमने ये स्टार्ट किया है कि अब इंडिया रूलर वाली पोजीशन में आएगा और कौन सी एक्सरसाइज हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं तो समुद्र शक्ति अबाइलेट्रल मेरी एक्सरसाइज जिसको नाम दिया गया है समुद्र शक्ति और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसको नाम दिया गया है गरुड़ शक्ति तो ये दोनों आपको याद रखना है और यहीं पे स्लाइड पॉज करके अगेन यू हैव टू रिवाइज इंडिया जॉइंट मिलिट्री मेरी टाइम एंड एयरफोर्स एक्सरसाइज विथ डिफरेंट कंट्रीज वी ऑलरेडी हैव दैट लिस्ट प्रिपेयर्ड उसको जस्ट एक बार पढ़ जाइए रिवाइज कर लीजिए और आपका एक पूरा टॉपिक जिसमें से हर एग्जाम में मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाता है तो आपका एक मार्क वहाँ पे सिक्योर हो जाएगा चलिए इसी के साथ दूसरे टॉपिक पे जाएंगे दैट इज यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ यूनाइटेड नेशंस तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंट के लिए जिन्होंने काम किया है या एग्रीकल्चर के लिए जिन्होंने काम किया है पिछले साल में उनको यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया जाता है सो ट्वेंटी नाइन ईयर ओल्ड इंडियन एंटरप्रेन्योर इज द सेवन विनर्स ऑफ द प्रेस्टिजियस चैम्पियंस ऑफ द अर्थ ट्वेंटी ट्वेंटी प्राइज गिवन बाई द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम दैट इज़ नोन एज यू एन ए पी और क्यों ये अवार्ड दिया जाता है टू ग्लोबल चेंज मेकर यूजिंग इनोवेटिव आइडियाज एंड एम्बिशियस एक्शन टू हेल्प सॉल्व सम ऑफ़ दी वर्ल्ड मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस तो कोई ऐसी संस्था हो कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन हो या कोई ऐसे इंडिविजुअल हो अकेले व्यक्ति जिन्होंने एनवायरमेंट इशू को एड्रेस किया हो और कोई इनोवेटिव आइडिया से अगर उसका हल निकालने का एफर्ट किया हो तो so, उस एफ़र्ट को रिकोगनाइज करने के लिए यू की तरफ से यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया जाता है क्या है ये अवार्ड? सो so, ये पहली बार दिया गया था 2017 में सो इंट्रोड्यूस्ड इन 2017, यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ एम्स टू सेलिब्रेट एंड सपोर्ट इंडिविजुअल्स एज्ड बिटवीन 18 एंड 30 हु हैव आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल टू क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट

10,000 थाउजेंड यू एस डॉलर इन सीड फंडिंग अटेंडेंस एट अ हाई लेवल यू मीटिंग तो जब भी UN में कोई पॉलिसी मेकिंग होगा environment को related या क्लाइमेट चेंज को related या ऐसे किसी भी टॉपिक पर ऐसे किसी भी मुद्दे पर जो डायरेक्टली और indirectly environment, एग्रीकल्चर या ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पे उनको बुलाया जाएगा इनवाइट किया जाएगा

पैर्स के फॉर्म में भी आपको पूछा जा सकता है एक साइड आपको नाम दे दिए गए होंगे एक साइड कंट्री दे दी गई होगी और मैच द पैर करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यों मिला है कौन सी कैटेगरी में मिला है या कौन सी एजेंसी में वो काम करते हैं कौन सी इंस्टीट्यूशन या कौन सा प्रोजेक्ट पे वो काम करते हैं वो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है तो हमें याद रखना है इंडिया से किसको मिला है इंडिया से मिला है विद्युत मोहन को जो कि टेक चेयर करके जो कंपनी है उसके लिए वो काम करते हैं हार्वेस्टिंग वैल्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट तो एग्रीकल्चर वेस्ट से हार्वेस्टिंग को कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर उन्होंने काम किया है राइट मैं आपको नेम और कंट्री याद रखने कुवैत ग्रीस पेरू यूएसए केनिया चाइना एंड इंडिया ये सात कंट्री के सात विनर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं टेकचर हार्वेस्टिंग वैल्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट क्या है ये सो टेकचर इज अ सोशल एंटरप्राइज फाउंडेड बाय मोहन इन 2018 इट इनेबल्स फार्मर्स टू प्रिवेंट ओपन बर्निंग ऑफ देयर वेस्ट फार्म रेसिड्यूस and earn extra income by converting them into value-added chemicals। जैसे ही सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है, आप अगर नेशनल मीडिया फॉलो करते हो तो आपको दिल्ली हरियाणा और यूपी और पंजाब यहाँ के फार्मर्स जो है अपने टीवी पराली नाम का शब्द सुना होगा तो ये पराली क्या है पराली इज दी फार्म दूस जो कटाई के बाद जो बच गया है उसको फार्मर क्या करता है जला देगा अब जब हरियाणा और पंजाब के फार्मर ये पराली जलाते हैं तो ड्यू टू विंड डायरेक्शन विंड डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है राइट ड्यूरिंग दैट टाइम तो उसकी वजह से पंजाब और हरियाणा का जो कचरा है या जो धुआं है वो कहाँ पे जाकर इकट्ठा हो जाता है दिल्ली पर जाकर इकट्ठा हो जाता है और इसी की वजह से दिल्ली में ड्यू इन विंटर सीजन आपको पॉल्यूशन ज़्यादा देखने को मिलता है और इसके लिए दिल्ली हरियाणा पंजाब गवर्नमेंट मिलकर काफ़ी सालों से काम कर रही है बट अभी तक कोई वायबल सल्यूशन इसके लिए नहीं मिला है तो ये उसका एक पॉसिबल सल्यूशन हो सकता है इट इज़ अ मीनिंगफुल एंड इमीडिएट सोल्यूशन टू ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन प्रोसीजर क्या है सो टेक्चर बाइज राइज हस्क स्ट्रॉ एंड कोकोनट शेल्स फ्रॉम फार्मर्स एंड टर्न्स देम इनटू चारकोल सेविंग द डेबरीज फ्रॉम फायर्स विच आर आल्सो ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज तो देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं जो फार्म के रेसिड्यूज है उसको वो रीप्रोसेस करके उसमें से चारकोल बना रहे हैं और उसको क्लाइमेट चेंज से बचा रहे और इस तरह से इस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको यंग चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ का अवार्ड दिया गया है बेनिफिट्स क्या है इसके सो ओपन बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज इज अ बिग सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड दिस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कैन हेल्प फार्मर्स

अगर उसके बदले में उसको पैसे मिल जाए और उसकी सफाई भी हो जाए उसके फार्म की तो उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती पोटेंशियल क्या है इसका सो बाई ट्वेंटी थर्टी टेक्चर विल इम्पेक्ट थ्री हंड्रेड मिलियन फार्मर्स अफेक्टेड बाई दिस प्रॉब्लम क्रिएट फोर बिलियन यू एस डॉलर पर ईयर इक्विवेलेंट इन एडिशनल रूरल इनकम एंड जॉब्स एंड मिटिगेट वन गीगा टन पर ईयर ऑफ सी ओ टू देखिए कितना बड़ा फायदा है जॉब क्रिएशन के लिए और फार्मर्स की जो इनकम होगी वो भी इससे बढ़ती हुई हमें आने वाले दस पंद्रह सालों में इसका इफेक्ट होता हुआ हमें दिखेगा तो इस एफर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है विद्युत मोहन फ्रॉम इंडिया आपको ये नाम याद रखना है और यू के बारे में मैंने एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है वो आपको ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे मैंने दी हुई है इसको आप नोट डाउन कर सकते हो यू का हेड क्वार्टर है नैरोबी केनिया में और उसको 1972 में एस्टेब्लिश किया गया था नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू मिड टर्म रिव्यू ऑफ नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट सो रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैज रिव्यूड द प्रोग्रेस मेड अंडर द नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट इन इट्स मिड टर्म क्या है ये नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एम है कि 2024 तक इंडिया की चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो वाटर प्रॉब्लम्स जो है पीने के पानी की जो समस्या है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा या वी विल रीच दैट स्टेज जहाँ पर उसको आने वाले और कुछ सालों में उसको सॉल्व कर दिया जाएगा और जो सिस्टम है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में उसको बेहतर बना दिया जाएगा तो उसी पूरे प्रोजेक्ट को यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने रिव्यू किया ना व्हाट इज नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट वी ऑलरेडी नो मेनी स्कीम्स नल से जल या हर घर जल बाई ट्वेंटी वी ऑलरेडी नो दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट it was started in 2016 as a central sector scheme with 100% grant to implementing agencies on pan-india basis. it is an initiative of the ministry of Jala shakti and is supported by the world bank. it has a budget outlay of 3680 crore to be spent over a period of 8 years. aim iska? to improve the extent, reliability, and accessibility of water resources information to strengthen the capacity of targeted water resource management institution in India. As of now जो हमारा distribution का structure है वो इतना productive नहीं है या वो इतना innovative नहीं है तो उसको आने वाले कुछ सालों में बेहतर बनाया जाएगा from village from panchayat from talukas to national level to फेसिलिटेट एक्विजीशन ऑफ रिलाईबल इंफॉमेशन एफिशियंटली विच वुड पे दी वे फॉर एन इफेक्टिव वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट जब प्रॉब्लम पता होगा तब जाके उसका सल्यूशन मिलेगा तो जब एफिशियंटली सिस्टम ये ट्रैक कर पाएगा कि कहाँ पानी ज़्यादा ज़रूरत में है या कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं हो रहा है उस एरियाज में ज़्यादा काम किया जाएगा अब हो सकता है कि गुजरात का जो वाटर इश्यू है उस मध्य प्रदेश का वाटर प्रॉब्लम टोटली अलग हो सकता है तो जब प्रॉब्लम ही अलग होगा तो उसका सोल्यूशन भी अलग होगा तो ये एफिशिएंटली डेटा कलेक्ट भी करेगा प्रोजेक्ट बेनिफिशरीज कौन होंगे सो सेंट्रल एंड स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस एंड और ग्राउंड वाटर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशंस आपके यहाँ घर में जो टैप वाटर आता है वो कैसे आता है इट्स नॉट एन ईजी टास्क सालों पहले जो रस्तों के नीचे जो पाइपलाइन बिछाई गई होगी उसके थ्रू पानी आपको आपके घर में मिल रहा है. But everyone is not that privileged. तो ये सरकार ये चाहती है कि चाहे गांव का क्षेत्र हो या शहर का क्षेत्र हो किसी को भी पानी के लिए अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा ओके यूजर्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम अक्रॉस वरियस सेक्टर्स एंड अराउंड दी वर्ल्ड और इसको हम शॉर्टली क्या कहेंगे वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को डब्ल्यू आर आई एस सो ये देखिए ये पूरा सिस्टम जो है वो डेटा भी कलेक्ट करने का काम करेगा जब सही से डेटा कलेक्ट होगा तब उसके सल्यूशन पर आने वाले सालों में काम किया जाएगा प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे सो so पहला होगा आपका वाटर रिसोर्स मैनेज मोनिटरिंग सिस्टम डब्ल्यू आर एम एस फोकस ऑन इम्प्रूविंग द एक्सटेंट टाइमलीनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज डाटा एस्टाब्लिशमेंट ऑफ हाइड्रोमेड ऑब्जर्वेशन नेटवर्क्स, एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम्स फॉर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन से जगह कितना प्रेशर का कितना किस क्वालिटी का किस क्वांटिटी में पानी मिल रहा है ये सारा डाटा नेशनल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत लेवल पे कलेक्ट किया जाएगा और एक सेंट्रल रिपोजिटरी में उसको स्टोर भी किया जाएगा वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम सो डब्ल्यू आर आई एस सपोर्ट स्ट्रेंदनिंग ऑफ नेशनल एंड सब नेशनल वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर्स विथ वेब एनेबल्ड डब्ल्यू आर आई एस थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा बेजिस एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम वरियस डाटा सोर्सेज और डिपार्टमेंट्स तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट का उसको स्ट्रेंदन किया जाएगा उसको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा अंडर दी नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट ओके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। अब देखिए इंटेंजिबल का मतलब क्या है ऐसी चीज जिसको छुआ नहीं जा सकता जिसको फिजिकली यू कैन नॉट टच राइट बट स्टिल इट हैज़ अ कल्चरल वैल्यू तो यूनेस्को ऐसी लिस्ट हर कंट्री के लिए पब्लिश करता है सो रिसेंटली हॉकर कल्चर इन सिंगापोर हॉकर का मतलब क्या हो गया जो फेरी वाले राइट right? जो छोटे छोटे स्टॉल वाले या जो स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं जो घर घर जाकर अपना सामान बेचते हैं एक्स वाई जेड आइटम उसको हम क्या कहेंगे हॉकर कहेंगे सो हॉकर कल्चर इन सिंगापोर हैज़ बीन इंस्क्राइबड

प्रिपेयर हॉकर फूड एंड दोज हुइन एंड मिंगल ओवर हॉकर फूड इन कम्युनिटी डाइनिंग स्पेसिस कॉल्ड हॉकर सेंटर यहाँ पे स्ट्रीट फूड इज वेरी फेमस तो उस कल्चर को रिकोगनाइज करने के लिए उसको इंटेन्जिबल कल्चर के लिस्ट में जोड़ा गया है इट रिफ्लेक्ट सिंगापोर्स मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी एज अ पीपल एंड अ नेशन एंड रेजोनेट स्ट्रोंगली विद सिंगापोरियंस अक्रॉस ऑल रेसिस एंड सोशल स्ट्राटा यूनेस्को लिस्ट ऑफ़ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज तो वो क्या है सो दिस कोवेटेड लिस्ट मेड ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज एलिमेंट्स दैट हेल्ड डेमोन्स्ट्रेट डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड रेज अवेयरनेस अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस तो इसीलिए उस एफर्ट को रिकोगनाइज करने के लिए यूनेस्को ये लिस्ट हर साल अपडेट करता जाता है द लिस्ट वॉज एस्टाब्लिड इन टू थाउजेंड एंड एट वेन द कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ द इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज गेम इन टू इफेक्ट तो दो हज़ार आठ से साल दर साल दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज़ के जो इनटेंजिबल हेरीटेज है इनटेंजिबल कल्चर जो है उसको इस लिस्ट में जोड़ा जाता है ताकि उसको प्रिजर्व किया जा सके आने वाले पचास सौ सालों के लिए और ये जो लिस्ट आपको दिख रहा है 2013 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ट्रेडिशंस फ्रॉम इंडिया विच आर रिकगनाइज बाय यूनेस्को तो लिस्ट लेटेस्ट जो है कुंभ मेला दी लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ पीपल ऑन अर्थ जिसको स्पेस से भी देखा जा सकता है देन नवरूज योगा तो ये जो तेरह चीज़ें हैं वो आप एक बार पढ़ लीजिए एक बार लिस्ट बना लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए आपको ये पूछा जा सकता है और ये जो पूरा एफर्ट जो है या ये सारी जो चीज़ें हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग प्लान के तहत अलग अलग स्कीम्स के तहत काम कर रही है एंड दीज आर सम इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट यूनेस्को यूनेस्को का पूरा नाम आपको दिया गया है एज ऑफ नव यूनेस्को हैज़ वन नाइनटी थ्री मेम्बर्स एंड इलेवन एसोसिएट मेम्बर्स इंडिया ज्वाइन यूनिस्को इनटीन फोर्टी सिक्स इट्सल्फ इन ट्वेंटी यू एस एंड इसराइल फॉर्मली इक्विट यूनेस्को बट क्योंकि अब यू एस ए में गवर्नमेंट वापस बदल गई है देर इज़ अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि यूएसए जॉइन करेगा और यूएसए के इंफ्लुएंस में इसराइल विल ऑल्सो जॉइन यूनेस्को अगेन इन अपकमिंग मंथ्स हेडक्वार्टर उसका है पेरिस फ्रांस में सो दीज आर सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट यूनेस्को नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है दैट इज रिलेटेड टू योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ई ट्वेंटी फ्यूल सो बेसिकली दिस इज अ बायो फ्यूल और जिसको हम कहेंगे ग्रीन फ्यूल जो कि कन्वेंशनल फ्यूल का ऑप्शन आने वाले सालों में हो सकता है हमें पता है कि आने वाले दस बीस तीस सालों में पेट्रोल डीजल जो है वो खत्म हो जाएगा अब जब तीस साल बाद खत्म हो जाएगा उसके बाद वॉट विल बी ट्रांसपोर्टेशन मोड तो उसका ऑप्शन ये है राइट सो रिसेंटली द इंडियन गवर्नमेंट हैज इन्वाइटेड पब्लिक कमेंट्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग अडोप्शन ऑफ ई ट्वेंटी फ्यूल टू प्रमोट ग्रीन फ्यूल लाइक इथेनॉल इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सारा पैसा रिसर्च में इन्वेस्ट कर रही है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आने वाला डेकेड होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिसर्च का डेकेड होगा और उसके बाद वाला जो डेकेड होगा उसमें आप मैं और हम सब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल बी यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को छोड़ के और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिक के पास अपने कमेंट मंगवाए कि पब्लिक कितनी रेडी है टू यूज़ ग्रीन फ्यूल क्योंकि ग्रीन फ्यूल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होगा कि उसकी जो एफिशिएंसी जो होगी दैट इज़ नॉट अप टू मार्क वो आपको स्पीड नहीं दे पाएगा वो आपको ड्यूरेबिलिटी नहीं दे पाएगा तो उसको एक्सेप्ट कितना करेगी पब्लिक ये जानने के लिए कमेंट्स मंगवाए गए हैं ई ट्वेंटी फ्यूल क्या है सो ई ट्वेंटी फ्यूल इज अ ब्लैंड ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑफ इथेनॉल विसोलिन तो गैसोलिन में जब ट्वेंटी परसेंट इथेनॉल मिला दिया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा ई ट्वेंटी फ्यूल हो जाएगा द करंट परमिशिबल लेवलॉल दो इंडिया इज इंडिया रिचड ओनली फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ ब्लैंड इन ट्वेंटी और ये तो कहाँ तक जाने की बात है ट्वेंटी परसेंट तक एज ऑफ नाउ वी है परमिसेबल लिमिट ऑफ टेन परसेंट ये उसको डबल करने की बात है सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका सो इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन एट्सेट्रा और क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स कब एमिट करेगा पल्यूशन का जो इश्यू है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा सॉल्व होता जाएगा तो ग्रीन फ्यूल जो है वो पल्यूशन के लिए ज़्यादा अच्छे हैं पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए वो ज़्यादा अच्छे है इट विल हेल्प रिड्यूस द ऑयल इंपोर्ट बिल देयर बाय सेविंग फॉरेन एक्सचेंज एंड बूस्टिंग एनर्जी सिक्योरिटी तो ये उसका इकोनॉमिक फ़ायदा भी है क्योंकि इंडिया पेट्रोल डीजल या क्रूड ऑयल जो है वो खुद प्रोड्यूस नहीं करता इंडिया इज़ दी लार्जेस्ट बायर और लार्जेस्ट कस्टमर ऑफ क्रूड ऑयल तो हमें काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है टू बाई दिस क्रूड ऑयल अगर हम शिफ्ट कर जाते हैं ग्रीन फ्यूल पे तो हमें क्रूड ऑयल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो पैसा हम बाकी के सेक्टर में डेवलपमेंट के ऊपर लगा सकते हैं तो ये हो गया उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट कंपैटिबिलिटी ऑफ व्हीकल्स एज पर द गवर्नमेंट द कंपैटिबिलिटी ऑफ

बिलीव्ड बाई सम मोर एन्वायरमेंटली फ्रेंडली देन दी वाइडली यूज फॉसिल फ्यूल्स दैट पावर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो यही उसका बेसिक एंड मोस्ट प्रोमिनेंट एडवांटेज है ग्रीन फ्यूल का कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है अलग अलग टाइप्स के ग्रीन फ्यूल आपको देखने को मिल सकते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स और डिफरेंट काइंड ऑफ एंजिनस पहला है बायो इथिनॉल सो इट इज डिराइव फ्राम कॉन एंड शुगर कॉन न यूजिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस अब देखिए इच वन ऑफ दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इसको जरा ध्यान से पढ़िए सुनिए बायो इथेनॉल इज डिराइव फ्रॉम कॉर्न शुगर केन यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस अ अटर ऑफ इथेनॉल कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली टू थर्ड ऑफ द एनर्जी प्रोवाइडेड बाई लीटर ऑफ पेट्रोल तो अब तक हम पेट्रोल तक रीच आउट नहीं कर पाए इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड दैट्स वाई एफिशियसी के जो स्टैंडर्ड्स है वो अभी क्या है लो है वेन मिक्सड विथ पेट्रोल इट इम्प्रूवस द कम्बन परफॉर्मेंस एंड लोअर्स दमिशंस ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड नेक्स्ट इज बायोडीजल इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स लाइक सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल वेजिटेबल वेस्ट ऑयल्स एंड एनिमल फैट्स बाय बायोकेमिकल प्रोसेस कॉल्ड

FSSI, तो आपको वो रिलेटेड टॉपिक मिल जाएगा तो वो बायोडीजल बनाने के काम आता था अब उन दो, दोनों टॉपिक्स को रिलेट करके देखिए अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछिए नेक्स्ट इज बायोगैस इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनरोबिक डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक सीवेज फ्रॉम एनिमल्स एंड ह्यूमस मेजर प्रपोर्शन ऑफ बायोगैस इज मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड धू इट ऑल्सो हैज स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन कार्बन मोनॉक्साइड एंड सिलोक्सेंस इट इज कॉमनली यूज फॉर हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर ऑटोमोबाइल्स तो बायोगैस हम पिछले काफ़ी सालों से अलग अलग एप्लीकेशन में ऑलरेडी वी आर यूजिंग सो वो कोई नई चीज़ हमारे लिए नहीं है नेक्स्ट इज बायो ब्यूटेनॉल सो इट इज प्रोड्यूस्ड इन द सेम वे एज़ बायो इथेनॉल मीनिंग थ्रू द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च तो जब स्टार्च को फर्मेंट किया जाएगा वो क्या बन जाएगा बायो ब्यूटेनॉल एनर्जी कंटेंट इन बायो ब्यूटेनॉल इज द दाइएस्ट अमॉन्ग द अदर गैसोलिन ऑल्टरनेटिव इट कैन बी एडेड टू डीजल टू रिड्यूस एमिशंस इट सर्व एज अ सॉल्वेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इज इज ऑल्सो यूज इन देश इन परफ्यूम तो परफ्यूम का एक जो मेजर इन्ग्रीडियंट है वो कौन सा है ब्यूटेनॉल क्यों क्योंकि ब्यूटेनॉल

इन सारी चीज़ों का ही हमें यूज़ करना पड़ेगा हमारे आने वाले टाइम में ओके एंड दिस इज़ द रूको स्कीम रीपर्पज़ज़ यूज कुकिंग ऑयल जो रेस्टोरेंट्स है या जो ढाबे वाले हैं हाईवे पे उनको रूको का एक अगर वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट करते हैं तो गवर्नमेंट ने ऐसी एजेंसीज बनाई है जो हर रेस्टोरेंट में जाके जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है उसको इकट्ठा करके उसको बायो फ्यूल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी ओके सो री यूज्ड यूज कुकिंग ऑयल इट वॉज लॉन्च्ड बाई एफ एस एस ए आई एंड एम्स फॉर एन इको सिस्टम दैट विल अनेबल द कलेक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ यूज कुकिंग ऑयल टू बायो डीजल राइट और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायो फ्यूल्स बना के रखी है एंड दीज आर सम अदर रिलेटेड स्कीम्स बाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसको एक बार पढ़ लीजिए दिस इज द द एक्स्ट्रा स्टफ रिलेटेड टू टॉपिक नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स क्वेश्चन वो है आपका वर्ल्ड माइनॉरिटीज राइट्स डे पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन राइट्स डे देखा था ऑन टेंथ ऑफ दिसंबर और ये जो वर्ल्ड माइनॉरिटीज राइट्स डे मनाया जाता है एटीनथ ऑफ दिसंबर को सो द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड माइनॉरिटीज राइट्स डे ऑन एटीन ऑफ डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी दूनाइटेड नेशन ऑन एटीन दिसंबर नाइनटीन नाइनटी टू अडोप्टिड देंट ऑन द इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू रिलीजियस और लिंग्विस्टिक नेशनल और एथनिक माइनॉरिटीज और इसके बाद 1993 में इंडिया में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज को एस्टैब्लिश किया गया जो कि एक वैधानिक संस्था है इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये चीज आपको याद रखनी है देशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट नाइनटीन नाइन्टी टू इन सेक्शन टू सी ऑफ द एक्ट डिफाइंस अ माइनॉरिटी अब ये देखिए यहाँ पे आपको माइनॉरिटी की डेफिनेशन दी गई है कि इंडिया में किसको माइनॉरिटी माना जाएगा सो हु इज़ द माइनॉरिटी इन इंडिया अ कम्युनिटी नोटिफाइड एज सच बाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो जिस कम्युनिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार ने माइनॉरिटी का माइनॉरिटी का मतलब है लघुमती लघुमती का रिकोगशन दिया है उसी को माइनॉरिटी माना जाएगा इन इंडिया एज ऑफ नाउ एज ऑफ डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी मुस्लिम क्रिश्चियंस सिक्स बुद्धिस्ट पारसीज़ एंड जैंस आर दी माइनॉरिटीज और जैन जो है वो लेटेस्ट जिनको माइनॉरिटीज का रिकोगशन दिया गया है एस पर टी एम ए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस ऑफ टू थाउजेंड एंड टू इन द सुप्रीम कोर्ट अ माइनोरिटी इधर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस इज डिटर्मिनेबल ओनलीफरेंस टू दोग्राफी ऑफ द स्टेट एंड नॉट बाई टेकिंग इन टू कंसिडरेशन दॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एज अ होल तो ये चीज आपको खास याद रखनी है उस डेमोग्राफी को देख कर ही माइनोरिटी के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा पूरे कंट्री की पॉपुलेशन को ध्यान में लेना उसमें जरूरी नहीं है और यह कौन सा केस है टीएम पाई फाउंडेशन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजन माइनॉरिटीज के लिए दिए गए हैं सो द टर्म माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बजट शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में उसी तरीके से माइनॉरिटीज भी एज अ टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है हावेवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिकोगनाइज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ लिंग्विस्टिक का मतलब है भाषा के तौर पर बनी हुई माइनॉरिटी सो आर्टिकल ट्वेंटी नाइन क्या कहता है इट प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट right और कल्चर ऑफ़ इट्स ओन शेल हैव द राइट टू कन्जर्व दी सेम और नॉर्थ ईस्ट के मेनली जो पीपल है या जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको ये आर्टिकल ट्वेंटी नाइन अप्लाई होता है कि गवर्नमेंट उनके राइट्स के लिए अलग अलग स्कीम्स चलाती है ताकि उनका जो कल्चर है उनकी जो लैंग्वेज है वो बची रहे जब हमने पिछली बार बोडोलैंड के बारे में टॉपिक लिया था टॉपिक कवर किया था तब हमने उसमें देखा था कि बोडो लैंग्वेज के प्रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट एक पूरी बॉडी वहाँ पे फॉर्म करेगी इन असम स्टेट तो ये चीज़ आपको याद रखनी है हाव एवर दी सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज नॉट नेसेसरीली रिस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज़ ओनली एज यूज ऑफ द वर्ड सेक्शन ऑफ सिटीजन्स इन द आर्टिकल इंक्लूड्स माइनॉरिटीज एज वेल एज दजॉरिटी अब जो माइनॉरिटी को जो हक दिए जाते हैं वो मेजोरिटी को तो बाई डिफॉल्ट दिए ही जाएंगे आर्टिकल थर्टी क्या कहता है सो आर्टिकल थर्टी स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटीज शेल हैव राइट टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल थर्टी इज़ कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज़ एंड डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन आर्टिकल थर्टी थ्री फिफ्टी बी क्या कहता है इट सेज दैट ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हाव एवर दैवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स इन आर्टिकल थ्री फिफ्टी बी इन दस्टिट्यूशन इट प्रोवाइड्स फॉर अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ये चीज़ आपको

बुद्धिस्ट एंड जोरास्ट्रियंस वर नोटिफाइड एज माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन ट्वेंटी फोर्टीन जैंस वर ऑल्सो नोटिफाइड एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी कंपोजिशन क्या होगा इसका सो एन सी एम कंजिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन अ वाइस चेयरपर्सन एंड फाइव मेम्बर्स एंड ऑल ऑफ देम शेल बी फ्राम अमोंग द माइनॉरिटी कम्युनिटीज तो ये उसका एक कंडीशन है कि चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन एंड फाइव मेंबर्स, सो so जो ये जो सातों लोग होंगे वो ऊपर की जो छः माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है उन्हीं में से होने चाहिए टोटल ऑफ सेवन पर्सनस टू बी नॉमिनेटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी फ्रॉम अमॉन्ग्स पर्सनस ऑफ एमिनेंस एबिलिटी एंड इंटेग्रिटी तो जिस जिसने अपनी कम्युनिटी uh, के लिए या कंट्री के लिए कुछ किया होगा उनको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रिकमेंड करेगी नॉमिनेट करेगी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करेंगे। टेन कितना होगा सो ईच मेंबर होल्ड्स द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ द ऑफिस तो तीन साल के लिए उनको पोस्ट पे बिठाया जाएगा फंक्शन क्या होगा तो बेसिकली माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करना वो उनका बेसिक फंक्शन होगा सो so, ये आपको फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। इट आल्सो इन्वेस्टिगेट्स मैटर ऑफ़ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट एंड रायट्स तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन बनती है जैसे अभी पिछले साल सी और एन के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम जो सिचुएशन बनी थी वहाँ पे अगर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट राइट्स होते हैं जो राइट्स दिल्ली में हुए तो वहाँ में वहाँ पे एनसीएम को एक पार्टी इन्वेस्टिगेशन में बनाया जा सकता है ताकि माइनॉरिटीज को इंटेंशनली गवर्नमेंट टारगेट ना कर सके अंडरस्टूड चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है और वो है इंडिजीनियस गेम्स एंड खेलो इंडिया तो खेलो इंडिया हमें पता है एवरी ईयर स्पोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल पे खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया है जब प्राइम मिनिस्टर गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने सेम काइंड का प्रोग्राम गुजरात में स्टेट लेवल पे स्टार्ट किया था उसी को उन्होंने नेशनल लेवल पे लेके गए हैं द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज़ रिसेंटली इंक्लूडेड गटका कलरी पयट्टू गटका फ्रॉम पंजाब कलरी पयट्टू फ्रॉम uh, केरला थांगटा एंड मलखम इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो नेक्स्ट ईयर जो खेलो इंडिया गेम्स होंगे उनमें ये चार रीजनल स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है और जो चारों स्पोर्ट्स है वो जिम्नेशियम के साथ जुड़े हुए हैं जिमनास्टिक्स के साथ डायरेक्टली और इनडिरटली जुड़े हुए हैं सो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 आर स्कड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन हरियाणा एज ऑफ ना इसके ऊपर पोस्टपोनमेंट का कोई अभी तक ऑर्डर नहीं आया है तो अभी हम ये मान के चलेंगे कि 2021 में हरियाणा में फिजिकली ऑन ग्राउंड ये खेल होंगे अब जब ये गेम है तो ये तो वर्चुअली हो नहीं पाएंगे या तो इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा या रद्द करना पड़ेगा लेट अस सी हाउ दी कोविड सिचुएशन गोज फॉर नेक्स्ट टू थ्री मंथ्स उसके बाद ये चीज़ हमें पता चलेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर अपना decision degi the 2020 edition of khelo india youth games was held in guwahati assam so kiyg is a part of the revamped national program for development of sports khelo india which was approved by the union cabinet in 2017 the khelo india scheme aims to encourage sports all over the country thus allowing the population to harness the power of sports

मेडल टैली होता है वो काफ़ी कम होता है इतने बड़े पॉपुलेशन में अब एक मेडल या दो मेडल लेके आओगे सो दैट इज नॉट गुड तो उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स को स्टार्ट किया गया है अंडर दिस स्कीम टैलेंटेड प्लेयर्स आइडेंटिफाइड इन प्रायोरिटी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन एट वरियस लेवल्स आर प्रोवाइडेड एनुअल फिनंशियल असिस्टेंस ऑफ फाइव लैक पर एन फॉर एट ईयर्स देखिए आठ सालों के टेन्योर में अगर आप रिकग्नाइज होते हो तो आपको टोटल चालीस लाख रुपए मिलेंगे वो चालीस लाख रुपए आप अपनी ट्रेनिंग पे ओके okay, अपने स्पोर्ट्स पे खर्च कर सकते हो और उसी से आप सिलेक्ट हो सकते हो आपकी गेम को बेहतर बनाकर एशियन गेम्स के लिए या ओलंपिक्स गेम के लिए या किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल गेम्स के लिए ओके सो दीज आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ खेलो इंडिया अब क्या है गटका सो गटका ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब एंड दिस ट्रेडिशनल फाइटिंग स्टाइल ऑफ द निहंगिफेंस एज वेल एज स्पोर्ट्स गटका इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड विन दिक्कत सिख गुरु हरगोविंद अडॉप्ट फॉर सेल्फ डिफेंस ड्यूरिंग दूगल इट वॉज अर्लियर कन्फाइंड टू गुरु द्वारा नगर कीर्तन एंड अकाराज बट नाउ इट फाइंड्स प्रेजेंस इन दोर्ट्स कैटेगरी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गटका फेडरेशन ऑफ इंडिया इन टू थाउजेंड एंड एट तो ये रीजनल स्पोर्ट्स के तौर पर इसको और ज़्यादा बूस्ट देने के लिए खेलो इंडिया में इसको शामिल किया गया है नेक्स्ट इज कलरी पयट टू फ्रॉम केरला सो so, कलरी पयट टू ऑल्सो नोन सिंपली एस कलरी Is in Indian martial art that originated in modern day Kerala. Kalari Payattu is held in high regard by martial artists due to its long standing history within Indian martial arts. It is believed to be the oldest surviving mar martial art in India. It is also considered to be among the oldest martial arts still in existence with its origin in the material arts timeline dating back. टू एटलीस्ट दिस थर्ड सेंचुरी बी तो देखिए कि कितना पुराना है जो कि आज तक एग्जिस्टेंस में है प्लेस वेयर दिस मार्शल आर्ट इज प्रैक्टिस इज नाउ कॉल्ड इज कलरी एंड दैट्स वाई उसको कलरी पैट टू नाम दिया गया है इट इज़ अ मलयालम वर्ड दैट सिग्निफाइज अ काइंड ऑफ जिम्नेशियम तो मलयालम में उसका मीनिंग जिम्नाशियम से मिलता जुलता होता है कलरी लिटरली मीन्स थ्रेशिंग फ्लोर और बैटलफील्ड युद्ध क्षेत्र सो so, कलरी पैटू का अगर एक्चुअल लिटरल मीनिंग निकालने जाए तो वो होगा युद्ध क्षेत्र और बैटलफील्ड द दी वर्ल्ड कलरी फर्स्ट अपीयर्स इन द तमिल संगम लिटरेचर टू डिस्क्राइब बोथ बैटल फील्ड एंड कॉम्बेट अरेना तो तमिल इज द ओल्डेस्ट लिटरेचर ये हमें पता है तो so, वहाँ पे भी एक कलरी वर्ल्ड हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट इज मलखम सो मलखम इज़ अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट ओरिजिनिंग फ्रॉम द इंडियन सब सबकॉन्टिनेंट इन विच अ जिम्नास्ट परफॉर्म्स एरियल योगा और जिम्नास्टिक पोस्चर्स एंड रेसलिंग ग्रिप्स विथ अ वर्टिकल स्टेशनरी और हैंगिंग वुडन पोल केन और रूप और मलखम कोई नई चीज़ हमारे लिए नहीं है वी हैव ऑलरेडी सीन दिस मल्टीपल टाइम्स द नेम मलखम डिराइव फ्राम द टर्म्स मल्ला मीनिंग रेस्लर मल्ल जिसको हम कहेंगे राइट इन हिंदी और खम्भ खम्भ का मतलब है खम्बा विच मीन्स अ पोल लिटरली मीनिंग रेसलिंग पोल द टर्म रिफर्स टू अ ट्रेडिशनल ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट यूज बाई रेसलर्स मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र हैव बीन दी हॉट स्पॉट्स फॉर दिस स्पोर्ट्स ओके तो ये आपका डिटेल हो गया मलखम के बारे में और आखिरी जो आपका स्पोर्ट है जिसको खेलो इंडिया 2021 में जोड़ा गया है वो है थांगटा सो so, हैून लेंगलॉन इज एन इंडियन मार्शल आर्ट फ्रॉम मणिपुर तो जैसे कल कलरीपेयर टू केरला से है थांगटा जो है वो मणिपुर से है इन द मेथी लैंग्वेज हैूएन मीन्स वॉर व लेंगलॉन और लेंगलोंग कैन मीन नेट नॉलेज और आर्ट हुएन लेंगलॉन कंजिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स थांगटा दैट इज आर्म्ड कॉम्बेट एंड सेरिट सराक अनड फाइटिंग तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज दर्म्ड कॉम्बेट तलवार दिख रही है ना आपको साथ में सो द प्राइमरी वेपन्स ऑफ यू एन लैंगलोंग आर थांग दैट इज स्वॉर्ड जिसे हम तलवार कहेंगे उसको मैथी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है थांग कहा जाता है एंड टा इन स्पियर अदर वेपन्स इंक्लूड द शील्ड एंड द एक्स तो ये आपकी डिटेल हो गई थांगटा के बारे में तो ये था आपका आज का लेक्चर अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा और ये आपके होमवर्क के टॉपिक है पहला है पार्लियामेंट सेशन सो ड्यू टू कोविड सिचुएशन पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन नहीं होगा सो so पार्लियामेंट के विंटर सेशन को कैंसिल कर दिया गया है अब पार्लियामेंट के कौन से सेशन होते हैं कब कब होते हैं कौन उसको बुलाता है क्या उसके प्री है ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आप पॉलिटी में पढ़ चुके हो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए नेक्स्ट इज इसरोज सेटेलाइट लॉन्च सी एम एस वन जो कि एक आपका कम्युनिकेशन सेटेलाइट है उसके बारे में जो फैक्चुअल चीज़ें हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा कर लीजिए नोट बना लीजिए क्वाइट एन ईजी वन थर्ड इज यू एस ए हाइएस्ट ऑनर टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी को रिसेंटली यू एस ए का हाइएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है उसके बारे में आपको पढ़ना है आने वाले लेक्चर में उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो ये था आपका आज का लेक्चर अगर कोई डाउट है रीच आउट टू मी एंड योर डाउट विल बी क्लियर्ड टिल देन स्टे होम स्टे सेफ कीप स्टडिंग थैंक यू